हेलो डियर स्टूडेंट हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12वीं का जो भूगोल का सिलेबस यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2024 और 25 सत्र आप देख सकते हैं 2024 और 25 हेतु जारी किया गया है ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड यह सिलेबस है यहां पे आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं तो आइए इस पाठ्यक्रम को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको टॉपिक इस बार कवर करके चलना है यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए यहाँ पे भूगोल जिसमें कि आपको कुछ अर्थव्यवस्था और मूल सिद्धांत खंड का जो है ना मानव भूगोल के मूल सिद्धांत खंड ख भारत लोग लोक लोग और अर्थव्यवस्था और खंड ग जो है ना प्रयोगात्मक कार्य आपके कराए जाएंगे इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाठ्यक्रम है भूगोल कक्षा बरहमी का जो है सत्तर अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा तीस अंक का आपका प्रयोगात्मक होगा कुल सौ अंक का होगा और खंड कौ में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यहाँ पर देखिए इकाई एक इकाई एक में मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उप क्षेत्र का अध्ययन करना है वही इकाई दो में आप देखिए विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आपको लिखने होंगे जनसंख्या का वितरण जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जननांकी संक्रमण जनसंख्या नियंत्रण के उपाय इन टॉपिकों को आपको कवर करके चलना है इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएंगे 2025 के एग्जाम में और जो तीसरा चैप्टर है मानव विकास देख लीजिए अवधारणा वृद्धि विकास मानव विकास के चार स्तंभ मानव विकास के उपागम मानव विकास का मापन अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं और इकाई थर्ड आप देखिए प्राथमिक क्रियाएँ आखेत भोजन संग्रह पशुचारण कृषि निर्वाह कृषि आधुनिक कृषि कृषि तथा संबंधित क्रिया क्रियाओं में संलग्न लोग खनन कारक और विधियाँ द्वितीय क्रियाएं भी होगा द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण विनिर्माण की विशेषताएं और विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण पर आधारित और प्रौद्योगिकी और उसकी संकल्पना ये अध्याय शिक्ष में तृतीय और चतुर्थक क्रियाकलाप बहुत इंपॉर्टेंट है हर वर्ष यूपी बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार व्यापार वाणिज्य परिवहन परिवहन को प्रभावित करने वाले जो है कारक दूरसंचार सेवाएं और एक क्रियाकलाप हैं की विभाजक फिर सतवां है परिवहन एवं संचार का स्टडी करना है जिसमें आप देख लीजिए परिवहन परिवहन की विधियां सड़क परिवहन पार महाद्वीपीय रेलमार्ग जलमार्ग इन सब चीज़ों का वायु मार्ग फिर अठवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार से संबंधित पतन पतन के प्रकार और इस तरह से मानचित्र मानचित्र आपको दिए जाएंगे और इकाई एक इकाई एक से तीन तक आधारित जो भौतिक मानचित्र रहेंगे पांच अंक का इसके बाद खंड ये खंड से पैंतीस अंक जिसमें आपको भारत लोग एवं अर्थव्यवस्था ये खंड ख पार्ट है भूगोल का इसमें इकाई वन जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि संगठन ठीक है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वृद्धि क्षेत्रीय विभिन्नताएं जनसंख्या संगठन भाषा संगठन धार्मिक संगठन श्रमजीवी संगठन का अध्ययन इकाई टू मानव बस्तियां इकाई थ्री संसाधन एवं कृषि चैप्टर का स्टडी करना होगा आपको और आगे चलेंगे भारत में फसलें फसल ऋतु कृषि के प्रकार खाद्यान्न गेहूँ चावल ज्वार बाजरा मक्का इत्यादि के बारे में स्टडी कर जल संसाधन भारत के जल संसाधन से संबंधित जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन इकाई छ भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास और इकाई यहाँ पे वो चैप्टर तो इकाई सात परिवहन और संचार और इकाई आठ देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ये अध्याय है अब इकाई चौथा का ये सातवां और आठवां ये अध्याय है और इकाई पाँच में देखिए अध्याय नौ भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं इसके बाद इससे भी मानचित्र जो खंड ख है इससे भी पाँच अंक का मानचित्र पूछा जाएगा आपके एग्जाम में सो so, थैंक्स